आप ये बताइए, जो मतलब कि अल्लाह जो नजिस बोला है, जो मुशरिकों को नजिस बोला है, क्यों नजिस बोला गया? क्योंकि उसके ऊपर में मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है कि वहां पर नापाक बोला गया है। उसी तरीके से और भी अगर आप स्क्रिप्चर्स पढ़िएगा तो उसमें भी बोला जाता है इसी तरीके के। जैसे कि यही भगवद गीता ही का एग्जाम्पल दे देता हूँ। मेरे सामने अभी 2 दिन पहले इस्कॉन के 2 पंडित आए हुए थे इस्कॉन के, तो वो लोग मुझको बता रहे थे कि हम लोग खाना नहीं खाते जब तक उसको चढ़ावा नहीं चढ़ाते। इसमें लिखा हुआ कि अगर कोई खाना खाता है बिना चढ़ावा के तो वो एक चोर के जैसा। तो जाहिर सी बात है मैं तो नहीं खाऊंगा ना उस तरीके से, तो मुझे क्या बोला गया? चोर बोला गया। कहाँ बोला गया? भगवत गीता में बोला गया। तो क्या इसके बेसिस पे हम हिंदुइज्म को ये बोलने लगे? या उसी तरीके से क्रिश्चियनिटी में हम लोग देख लेते हैं, क्रिश्चियनिटी में इस तरीके के लफ्ज हीदेन का वर्ड यूज किया जाता है, या उसी तरीके का बोला जाता है कि जो जीसस क्राइस्ट पे नहीं मानता उनका सेल्वेशन नहीं होता, और बहुत सारे वर्ड्स यूज किए जाते हैं। तो क्या ये और जगह पे, सब जगह पे होता? ठीक है, तो जाहिर सी बात है वहां पर ये देखना है आपको कि वो ये बोल रहा है कि मेरे जो सिस्टम से इसको जो चलेगा वो सही है, नहीं चलेगा तो वो गलत है। उस हिसाब से कुरान में वहां पर भी लिखा हुआ। ठीक है, नहीं भाई वो किस लिए बोला गया है, वो मतलब कि अगर वो जो नजिस वर्ड है वो किस लिए बोला गया है? वो शिर्क के लिए बोला गया। शिर्क, शिर्क जो करता है उसके लिए बोला गया। शिर्क करता है जो जो अल्लाह ताला के बराबर यानी कि ईश्वर के बराबर दूसरे को बनाता है, उनके बारे में वो बोला गया। ठीक है ना, उससे फर्क क्या पड़ता है? उससे फर्क क्या पड़ता है, वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि उससे क्या फर्क पड़ता है। अगर भगवद गीता बोल रहा है कि अगर कोई बिना चढ़ावा के खा रहे तो वो चोर है, ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं भगवद गीता को तो नहीं मान रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ भगवद गीता नहीं मान रहा हूँ, तो इसमें चोर बोले या जो भी बोले, ठीक है, भगवद गीता का अपना सेंस है। तो अगर कुरान बोल रहा है इन्नमल मुशरिकून नजशुन, आप कुरान पे मानते हैं? पहला क्वेश्चन, आप कुरान पे मानते हैं? नहीं मानते, तो क्या फर्क पड़ता है फिर? समझ रहे क्या फर्क है? आप खाना खा रहे हो, ठीक है, तो आप पहले खुद खाना खाओगे, अपने कोई मेहमान आपके घर आए उसको खाना खिलाओगे? बेसिक डिपेंड करता है कि खाना कैसे है। खाना अगर साथ में भी तो खाया जा सकता है, मेहमान के साथ हम लोग बैठ के खाते हैं, पता नहीं आप कैसे खाते हैं, लेकिन हम लोग तो मेहमान के साथ बैठ के खाते हैं। आप कोई आपकी आप उसकी इज्जत करते हो बहुत ज्यादा, अगर वो आपके घर पे आया है तो आप पहले खुद खाना खाओगे या उसको खिलाओगे? वही तो बोल रहा हूँ कि इज्जत 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 अगर करते हैं तो साथ में भी तो खा सकते हैं, पहले खाना दूसरे में खाना, ये तो भविष्य पुराण में ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, मानते हो, उस पर अभी जाऊंगा नहीं मैं हिंदुइज्म पे, लेकिन पहले दूसरे का बात नहीं, साथ में भी खा सकते, क्या दिक्कत है? नहीं ठीक है, अगर आप खुद खाना खा लोगे, अगर उसको खाना नहीं खिलाओगे तो फिर आपको क्या बोला जाएगा? मैं खुद खाना खा लूंगा उसको नहीं खिलाऊंगा, ठीक है, सही सही नहीं है, स्वार्थी बोला जाएगा। हाँ ठीक है, तो वही बात है इसमें, अगर आप भगवान को अपना मित्र मानते हो या फिर अपनों अपनी स्थापना कर रखी है उन्होंने, तो आपको करना चाहिए ना उनके लिए भी। हाँ, तो आप अभी क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं हमको कि मुझे स्वार्थी बोल रहे हैं, मुझे थीफ बोल रहे हैं, भगवत गीता चैप्टर 3:2 आप डिफेंड कर रहे हैं उस चीज को, समझ रहे? तो मैं भी उसी तरीके से डिफेंड करूंगा कि शिर्क आप कर रहे हैं मेरे भाई, आप अल्लाह के बराबर किसी को बना रहे, तो वो आपका थिंकिंग, वो सोच वो गलत है, इसलिए वहां पर मुशरिकूना नजसुन बोला गया, समझ रहे? चैप्टर नंबर 3:12 है भगवत गीता का, जिसमें ये लिखा हुआ है कि एंड दोज हु एंजॉय सच गिफ्ट विदाउट ऑफरिंग देम टू द डेमी गॉड, देयर रिटर्न इज सर्टेनली अ थीफ, दे इन टर्न इज सर्टेनली अ थीफ, वो जरूर चोर है, वो जरूर क्या है? चोर है, ऐसा लिखा हुआ। तो क्या इस पे हम लोग जो भी जैसे क्रिश्चियन है एडम जोकर, वो तो नहीं मानते इसके ऊपर, तो वो तो चोर है, चोर हुआ ना इस लाइन के हिसाब से, तो क्या इस पे ये होगा, क्या बोला जाएगा इसके ऊपर में, समझ रहे? तो इस तरीके से जो इस बुक को मानेगा, जो भगवत गीता को मानेगा, वो उसके लिए है ना, उससे बाहर नहीं है ना वो। तो ठीक है, जो इस बुक को मानेगा उसके लिए, जो कुरान को मानेगा उसके लिए, खत्म हो गया, आंसर हो गया, आपने आपने मेरा आंसर खुद दे दिया। ठीक है जाट भाई, हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक जरूर पहुंचे।